हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के टॉपिक है ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व करते बताऊंगी। और मेरे में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स कैसे हम मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, जब आप किसी भी चीज़ में कनेक्ट करें कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें वो बताऊँगी। उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, और मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख जाता है जनरल मैनेजमेंट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपका रीसेट ऑप्शन का यह होगा ऑप्शन एंड, इस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको नेटवर्क रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है, और रीसेट नेटवर्क सेटिंग। और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है रीसेट और सेटिंग्स एंड रीसेट कर देंगे। यहाँ से नेटवर्क का रीसेट करती है, जो भी होता है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसे रीसेट करने से ये आपके फ़ोन को प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम जो होता है नहीं आएगा। एंड अगर ये इसमें ये होता है कि अगर वाईफाई कनेक्ट है और ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप नेटवर्क का रीसेट कर रहे हैं, तो वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर आप वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है। इसे इसमें यही होता, कुछ भी नहीं होता। एंड इन्हें रीसेट करने से आपका जो भी होता है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड वैसे ब्लूटूथ तब कनेक्ट नहीं होता है आपका, जैसे कि आप जैसे ईयरफोन में आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो हेडफोन हम लगाते कानों पे, तो फ्रेंड्स उसमें आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ उस वो फुल चार्ज होना चाहिए जिसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और फ़ोन में ही फुल चार्ज और उसमें ही फुल चार्ज होना चाहिए, मतलब 50 के आसपास। एंड इसके बाद आप फ़ोन में तो 50 के आसपास होना चाहिए, और इसमें हेडफोन में फुल होना चाहिए। और इसके बाद आप इस यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करेंगे, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। और वहाँ से जिसका आप जिसमें आप कनेक्ट करें वहाँ से ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है, तब आपका कनेक्ट होता है। अब ऐसे नहीं होता तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।